हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था। इन्होंने क्या कमेंट किया है, इनका नाम है कातिब सईद। इन्होंने एक कमेंट किया था, सर जवाब ज़रूर देना। एक कमेंट उन्होंने पहले किया था, उसके बाद इन्होंने कमेंट किया था सर जवाब ज़रूर देना। इसमें क्या लिखे हैं इन्होंने, सर मैंने भी ऐसे ही एक एसी चेक किया था, लेकिन जब मैं आउटडोर को बंद कर रहा था तो सारा प्रेशर यानी सारा गैस उसका बाहर निकल गया। उसमें मैंने फिर से गैस डाल दिया और एसी फिर से चल रहा है अच्छा खासा। तो क्या हुआ था, ये किस वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है, एक मैंने एक वीडियो बनाया था कि कंप्रेसर का पंपिंग कैसे चेक करते हैं। कंप्रेसर का पंपिंग जब डाउन होता है तो वह कंप्रेसर डेड माना जाता है, उसे चेंज करना पड़ता है। तो उसी पर इन्होंने कमेंट किया था, मेरा भी ऐसा ही हो रहा था और मैंने सारा प्रेशर बाहर निकाल दिया, उसके बाद फिर से मैंने गैस चार्ज किया, फिर से उनका एसी चलने लगा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है, देखिए इसमें ये कमेंट इसमें जो मैं उठाया हूँ कि इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी निकलने वाली है इस कमेंट से, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि इनका प्रॉब्लम ये हुआ था, इनका प्रॉब्लम ये हुआ था कि इनकी कैपलरी या फिल्टर इसमें ब्लॉकेज था, सिस्टम में ऑयल चढ़ गया था, इसके वजह से इनका कंप्रेसर क्या हो रहा था कि बार बार ट्रिप हो रहा था। यही प्रॉब्लम हुआ होगा आपके साथ में, आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा था तो आपने उसका पंपिंग भी चेक किया। अब यहाँ पर देखिए एक बात है कि कंप्रेसर की पंपिंग ऐसा नहीं है कि पंपिंग थोड़ा डाउन है और सक्शन के रास्ते से प्रेशर थोड़ा थोड़ा निकल रहा है तो वो कंप्रेसर डेड हो गया, बिल्कुल वो कंप्रेसर ख़राब हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्रेसर सक्शन से थोड़ा थोड़ा प्रेशर अगर निकल भी रहा है, पंपिंग थोड़ा डाउन है तो चलता है, ऐसा ऐसा नहीं है कि पंपिंग जब बिल्कुल उसका पिस्टन ख़राब हो जाता है। और जैसे देखिए कब ख़राब माना जाता है, जैसे आप कैसे चेक करते हैं पंपिंग, आप पंपिंग अगर चेक करना नहीं जानते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि पंपिंग कैसे चेक करते हैं कंप्रेसर की, चाहे वो सिस्टम में लगा हो या फिर सिस्टम से बाहर हो, उसकी पंपिंग बहुत ही आसानी से हम चेक कर सकते हैं। तो उसकी पंपिंग जब चेक करिए, देखिए पंपिंग ख़राब कब माना जाता है, जब सक्शन प्रेशर हमारा, जैसे R22 की बात कर रहा हूँ मैं, R22 हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है और 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा आपके। 1.5 टन का एयर कंडीशनर है और उसमें R22 पड़ा हुआ है। अब वो सिस्टम चल कितना एम्पीयर लेना चाहिए, कितना उसका प्रेशर होना चाहिए, उसका सक्शन प्रेशर ही बैक प्रेशर होता है। हमारे एक दोस्त ने पूछा था क्या सक्शन प्रेशर ही बैक प्रेशर होता है, जी हाँ बैक प्रेशर को ही सक्शन प्रेशर कहते हैं। तो उसका सक्शन प्रेशर 60 से 70 PSI होना चाहिए और 1.5 टन का एम्पियर कम से कम 9 एम्पियर होना चाहिए, 9 से 9.5 एम्पियर, 10 एम्पियर अगर बहुत गर्मी है, गर्मी के सीज़न में 9 से 10 एम्पियर होता है उसका, अगर थोड़ा नॉर्मल सीज़न है तो फिर 8 एम्पियर के नीचे ही रहेगा 1.5 टन का। तो एम्पियर लेना चाहिए 9 से 9.5 10 एम्पियर लेना चाहिए और हमारा प्रेशर 60 से 70 PSI होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर अगर पंपिंग बिल्कुल डाउन है, आपका पिस्टन बिल्कुल ख़राब हो गया है तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसे केसेज में क्या होगा कि हमारा प्रेशर जो 60 से 70 PSI होना चाहिए वह प्रेशर होगा, सक्शन प्रेशर होगा कम से कम 100 से 120, 150, 200 PSI तक होगा, जबकि उसी के हिसाब से एम्पियर भी तो 15-20 एम्पियर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, एम्पियर कितना लेगा, एम्पियर 3 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे लेगा। तो फिर समझ लीजिए कि ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो कंप्रेसर बिल्कुल डेड हो जाएगा। कुछ होता है ऐसे, बहुत से ऐसे कंप्रेसर होते हैं जिसका पंपिंग थोड़ा डाउन होता है, उसे चेक करने के बाद क्या होता है, जब हम प्रेशर देते हैं जैसे सिस्टम में लगा हुआ है तो फिर उसका पंपिंग चेक करने के लिए कम से कम 100-150 का PSI का प्रेशर देते हैं, लेकिन अगर सिस्टम से बाहर है तो उसे उसमें हम कम से कम 400-500 PSI तक का प्रेशर दे सकते हैं। और ध्यान रहे कि रोटरी कंप्रेसर कभी भी 400-500 PSI का प्रेशर दे करके पंपिंग चेक ना करें, क्योंकि अगर कंप्रेसर आपका चलने लायक भी होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आप पिस्टन वहाँ पर टूट जाएगा। अगर 400-500 PSI का रोटरी कंप्रेसर चेक करेंगे तो 400-500 PSI का जो ब्रिस्टल कंप्रेसर होता है उसे चेक करने के लिए 400-500 PSI का प्रेशर देते हैं, सिस्टम से बाहर अगर कंप्रेसर है तो, अगर सिस्टम में लगा हुआ है तो वहाँ पर 200 200 बहुत हो गया ब्रिस्टल कंप्रेसर के लिए।
और अगर रोटरी कंप्रेसर अगर आप सिस्टम में चेक करना भी चाहते हैं तो बहुत आप 100 से 150 PSI का प्रेशर दें सिस्टम में लगा हुआ है तो। अगर सिस्टम से बाहर है तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पर 150 से 200 250 PSI बहुत हो गया। वैसे भी रोटरी कंप्रेसर को चेक नहीं किया जाता है कभी भी इस तरह से, उसका पंपिंग नहीं चेक किया जाता, केवल अंगूठे से दबा करके देखा जा सकता है कि उसका पंपिंग कैसा है, कैसा डिस्चार्ज कैसा दे रहा है, सक्शन कैसा दे रहा है, हाथ से ही पता चल जाएगा। लेकिन आप फिर भी चेक करना चाहते हैं तो सिस्टम से बाहर है तो उसमें 100 150 PSI का प्रेशर दे करके आप चेक कर सकते हैं। अगर सिस्टम में लगा हुआ है तो 100 100 का प्रेशर दे देंगे, 100 का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है रोटरी कंप्रेसर के लिए, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। और कातिब सईद, अब देखिए आपके सिस्टम में क्या हुआ था। आपके सिस्टम में वैसे तो पंपिंग थोड़ा डाउन था, आपने चेक किया था पंपिंग डाउन, लेकिन आप बता रहे हैं कि सक्शन में टाइट कर रहा था, लगा रहा था तो सारा प्रेशर बाहर निकल गया से सिस्टम से, तो क्या हुआ था आपकी कैपिलरी भी ब्लॉक थी, पंपिंग तो थोड़ा डाउन है उससे तो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ में कैपिलरी भी ब्लॉक थी और आपका फिल्टर भी ब्लॉक था और सिस्टम में ऑयल चढ़ गया था, जिससे क्या हुआ अचानक में जब सक्शन प्रेशर खुला तो सारा प्रेशर बाहर निकल गया उसके साथ में, तो जो कैपिलरी में और फिल्टर में जो कचरा डस्ट जमा हुआ था और जो ऑयल फंसा हुआ था सिस्टम में, चाहे इंडोर में चाहे आउटडोर में, जो ऑयल फंसा हुआ था, कचरा फंसा हुआ था, उसी प्रेशर के साथ में वो कचरा भी निकल गया, डस्ट भी निकल गया उसी प्रेशर के साथ में, जिससे क्या हुआ कि आपका सिस्टम बिल्कुल क्लीन हो गया, फ्लश हो गया उसी के साथ में। आप तो ये समझ रहे हैं कि हमारा प्रेशर निकल गया, फिर से मैंने गैस चार्ज किया और चलने लगा सिस्टम, जी नहीं, पहले जो प्रॉब्लम था वो कैपिलरी की और ऑयल चढ़ गया था और डस्ट उसमें था सिस्टम में, जिसे फ्लश करने की ज़रूरत थी, और आपने जब सारा प्रेशर बाहर निकला उसी के साथ में फ्लश भी हो गया सिस्टम, सारा डस्ट बाहर निकल गया, उसके बाद में आपने गैस चार्ज किया और सिस्टम चलने लगा। बस यही छोटा सा प्रॉब्लम था कि अगर आप कैपिलरी भी चेंज करते, कैपिलरी फिल्टर अगर चेंज कर देते तो भी सिस्टम चल जाता। तो यही वीडियो बनाने का मकसद यही है, वीडियो के माध्यम से छोटा सा जानकारी निकलना था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर पंपिंग डाउन है कंप्रेसर की, थोड़ा बहुत डाउन है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन है तो कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कि अगर आपका सक्शन प्रेशर 200 250 150 से ज़्यादा बता रहा है और आपका एम्पियर 2-3 एम्पियर ले रहा है तो फिर ऐसा कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ा अगर पंपिंग डाउन है, आपका सक्शन प्रेशर 70 PSI 80 PSI तक जाता है और एम्पियर नॉर्मल है तो फिर चलेगा ऐसा कंप्रेसर। किया था कि स्प्लिट एयर कंडीशनर में वो फिल्टर साफ कर रहे थे और उनका सेंसर बाहर निकल गया। देखिए सेंसर में क्या होता है, उसमें छोटा सा क्लिप जैसा होता है, वो पीसीबी के साथ में कनेक्ट होता है सेंसर। अगर सेंसर निकल गया, आप लगाना चाहते हैं, अगर लगा सकते हैं तो इसको ड्राइवर से पूरा पैनल खोलना पड़ेगा, पीसीबी बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेंसर उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप टेक्नीशियन को बुला करके आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कर दें। और कोई रास्ता नहीं है, उसका सेंसर बाहर निकल गया है या फिर अगर उसका वायर कट करके बाहर निकला हुआ है तो कार वायर आप ज्वाइंट करके आप चला सकते हैं। क्लिप बाहर निकल गया है तो उसके लिए पीसीबी आपको खोलना पड़ेगा, पीसीबी बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप सेंसर को लगा सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब भी आप फिल्टर को क्लीन करें तो ध्यान से उसके बिल्कुल फिल्टर के नीचे ही सेंसर लगा होता है, फिल्टर के नीचे लगा होता है। आप जब भी फिल्टर निकालें तो बहुत ही बचा के बहुत ही आराम से इस फिल्टर को निकालें और क्लीन करके सुखा करके फिल्टर वापस उसी तरह से धीरे धीरे करके लगाएं। अगर झटके से निकालेंगे तो अगर सेंसर कहीं थोड़ा सा उसमें टच रहेगा तो खींच करके सेंसर टूट जाएगा। ऐसे भी सेंसर का कीमत बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में, यही कोई हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि 1000-1200 के आसपास में सेंसर आता है, इतना महंगा। तो फिर सेंसर अगर ख़राब हो गया, टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर कभी भी आप अपना फिल्टर साफ करते हैं, आप अपने खुद ही सर्विस करना चाहते हैं तो बहुत ही बचा करके करें। बस ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।